नमस्कार दोस्तों। दोस्तों क्रिकेट को वैसे तो जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन इस खेल के 22 गज के मैदान पर कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी है जिन्हें फैंस आज तक नहीं भूल पाए हैं। क्रिकेट के इस मैदान पर कई बार घमासान लड़ाइयां भी हुई है। उन्हीं में से आज हम क्रिकेट इतिहास की तीन सबसे बड़ी लड़ाइयों की बात करेंगे। डेनिल लिली वर्सेस जावेद मियादाद 1981। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज डेनिस लिली और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियादाद की एक बेहद ही खतरनाक लड़ाई क्रिकेट इतिहास के पन्नों में लिखी हुई है। पर्थ टेस्ट के दौरान मियादाद ने लिली को एक सिंगल के लिए खेला, लेकिन जैसे ही वह रन लेने के लिए दौड़े लिली से टकरा गए। मियादाद का कहना है कि लिली ने उन्हें लात मारी थी। जवाब में मियादाद ने लिली को मारने के लिए बैट तान दिया था, लेकिन एम्पायरों ने मामला बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया। इजमाम उल हक वर्सेस फैंस। दोस्तों ये लड़ाई एक रोचक लड़ाई है। टोरंटो में हुए मैच के दौरान इजमाम उल हक एक दर्शक से भिड़ गए थे। दरअसल दर्शकों का एक ग्रुप मैच के दौरान इजमाम को आलू आलू कहकर चिढ़ा रहा था। इससे परेशान होकर इजमाम उल हक स्टैंड की तरफ चले गए और दर्शक से भिड़ गए, लेकिन बीच बचाव करके इजमाम को शांत करवाया गया। गौतम गंभीर वर्सेस शाहिद अफरीदी 2004। इस मैच के दौरान भी माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था जब शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर आपस में भिड़ गए थे। दरअसल हुआ यह कि शाहिद अफरीदी की गेंद पर गंभीर ने चौका लगाया। इसके बाद अफरीदी ने गंभीर पर कुछ कमेंट किए। अगली ही गेंद पर जब गंभीर एक रन के लिए दौड़े तो अफरीदी उनसे टकरा गए। इसके बाद उन दोनों के बीच में काफी नोकझोंक हुई। यह क्रिकेट के उन मोमेंट में शामिल है जिसे शायद ही कोई भारत पाक क्रिकेट का फैन भुला पाए।